Viewer, in this video I will show you how to create payroll system amendment form in Microsoft Excel software like this one. तो आइए इसको हम रिव्यू करना चाहते हैं. सबसे पहले मेन हेडिंग आप टाइप करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं ऑफिस नेम फॉर द मंथ, इसके अलावा डेट, पेज नंबर, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं DDO कोड्स, मींस कोड, एनी कोड फॉर द एम्प्लॉय. फॉर्म के लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉय डिटेल, दिस विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड NIC नंबर. फॉर्म के राइट साइड पे इन्फो टाइप, फिर इसके बाद जनरल डेटा चेंज जिसमें फील्ड ID, न्यू कंटेंट्स ये भी अवेलेबल है, और चेंज इन पेमेंट्स मींस डिडक्शन, दिस विल बी द चेंजेस एंड अमेंडमेंट इन द फॉर्म, और स्टॉप सैलरी, इफेक्टिव डेट, रिमार्क्स प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, और लास्ट पे वेरीफाइड बाय, इसका सिग्नेचर ये होना चाहिए. तो आइए स्टार्ट लेते हैं किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे. यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और टाइप करें फ्रॉम द कीबोर्ड मेन हेडिंग ऑफ दिस फॉर्म. सबसे पहले आप टाइप कर सकते हैं पेरोल सिस्टम, नेक्स्ट लाइन में आप टाइप कर सकते हैं अमेंडमेंट फॉर्म फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज एंट्री. लाइन नंबर थर्ड में आप टाइप कर सकते हैं ऑफिस ऑफ द, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम जो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं. फिर इसके बाद मंथ, ईयर, राइट साइड पे आप मेंशन कर सकते हैं डेट और पेज नंबर. नाउ क्रिएटिंग द मेन कंटेंट ऑफ द फॉर्म. तो इसके लिए मैं कॉलम लेना चाहता हूँ और इस कॉलम का विड्थ मैं चेंज करना चाहता हूँ. फॉर्मेट पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कॉलम विड्थ, इसको आप सेलेक्ट करें 2. दिस विल बी फॉर पर्सनल नंबर एंड दिस इज़ द एम्प्लॉय डिटेल्स. नेक्स्ट कॉलम आप इसकी विड्थ तो आप चेंज करें, दिस विल बी 2 एंड क्लिक ओके. अगेन इन कॉलम्स को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से मर्ज ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं. पर्सनल नंबर के लिए कॉलम आप मर्ज करें. नेक्स्ट फॉर द एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पर मैं डेटा टाइप करना चाहता हूँ. दिस विल बी द एम्प्लॉय डिटेल्स. सो फर्स्ट वन विल बी द फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट कॉलम जो मैंने मर्ज किया था, दिस विल बी द एम्प्लॉय नेम. अगेन कॉलम को आप मर्ज कर सकते हैं, इसके अलावा इसका विड्थ तो आप चेंज कर सकते हैं. फ्रॉम द कॉलम विड्थ 2 सेलेक्ट करें. सेलेक्ट एंड मर्ज फॉर द NIC नंबर, यहां पर आप टाइप कर सकते हैं NIC नंबर ऑफ द एम्प्लॉय. रिमेनिंग कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप मर्ज कर सकते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, इसको आप मर्ज कर सकते हैं. ओनली 2 रोज आप सेलेक्ट करें और यहाँ से मर्ज पर क्लिक करें और यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता हूँ इन्फो टाइप. नेक्स्ट कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं मर्ज करूँगा फॉर द जनरल डेटा चेंज. यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ टेक्स्ट, दिस विल बी जनरल डेटा चेंज. इसमें फील्ड ID और न्यू कंटेंट्स ये शामिल होंगे, तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ. इसको मैंने मर्ज किया और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा न्यू कंटेंट्स. न्यू कंटेंट टाइप्स करने के लिए इसको मैंने मर्ज किया. रिमेनिंग सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मर्ज क्रॉस पर आप क्लिक करें. और इसी तरह एम्प्लॉय नेम के लिए भी इस रेंज को आप सेलेक्ट करें, मर्ज करें, रिमेनिंग सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ऑप्शन पर आप क्लिक करें मर्ज अक्रॉस. नेक्स्ट कॉलम जो हम इंक्लूड करना चाहेंगे वो है चेंज इन पेमेंट्स. सो फर्स्ट कॉलम विल बी द वेजेस टाइप, फिर इसके बाद अमाउंट, ये हम यहाँ पर शामिल करेंगे. नेक्स्ट कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं मर्ज करूँगा फॉर द हेडिंग चेंज इन पेमेंट्स और डिडक्शन.
यहाँ से इसको मैं मर्ज करता हूँ। फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब से कॉलम विड्थ में चेंज करूँगा, दिस विल बी 2। वेजेस के सामने कॉलम को मैं मर्ज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं चेंज इन पेमेंट्स और फिर इसके बाद नीचे आप टाइप कर सकते हैं अमाउंट। अब इस कॉलम को आप सेलेक्ट करें, मर्ज पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा अमाउंट। इसको आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर करें। नेक्स्ट कॉलम ये आप मर्ज करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्टॉप सैलरी। नेक्स्ट कॉलम इफेक्टिव डेट। डेटा को विजिबल करने के लिए रैप टेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिमार्क्स के लिए 3 कॉलम आप मर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर हेडिंग आप टाइप कर सकते हैं रिमार्क्स। और बिलो द रिमार्क्स यहाँ पर मैं 3 कॉलम को मर्ज करना चाहता हूँ। रिमेनिंग सेल्स को आप सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद मर्ज अक्रॉस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो सेम स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस पर बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करें, देन गो टू बॉर्डर, अप्लाई ऑल बॉर्डर, एट द लास्ट यहाँ पर कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने मर्ज किया बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस हाइफन की, लाइन को मैंने ड्रा किया बिलो द लाइन प्रेफर्ड बाय, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया। फिर इसके बाद इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर द चेक बाय और एडिट बाय, इसके लिए लाइन आप ड्रा करें, बिलो द लाइन आप मेंशन कर सकते हैं चेक बाय, ये टेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं। और राइट साइड पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं एंटर्ड और वेरीफाइड बाय। अब एक एम्प्लॉय के लिए हम चेंज यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं। सबसे पहले इसका पर्सन नंबर आप टाइप करेंगे, फिर इसके बाद एम्प्लॉय नेम आप टाइप कर सकते हैं, इसका NIC नंबर आप यहाँ पर टाइप करें। जनरल डेटा चेंज में आप मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड GP फंड और नेक्स्ट लाइन में न्यू GP फंड, ये अमाउंट आप चेंज करना चाहते हैं। तो ओल्ड GP फंड के सामने आप वाइजेस टाइप में कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट पेमेंट आप यहाँ पर मेंशन करें, दिस विल बी 3000। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मींस इसके साथ मैं 4008 करना चाहता हूँ, सो द न्यू GP फंड दिस विल बी 7000। और यहाँ पर रिमार्क्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो व्यूअर, इसी तरीके से आप पेरोल अमेंडमेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।